रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणेश चतुर्थी हर साल भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को मनाते हैं। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल विनायक चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जाएगी और बप्पा के भक्त गणपति की प्रतिमा को घर में लाकर उनकी भक्ति भाव से पूजा करेंगे। इस साल गणेश जी के भक्तों के लिए एक बेहद खुशी की बात यह है कि कुछ ऐसे संयोग इस बार के गणेश चतुर्थी पर बने हैं, जैसे कि शास्त्रों में गणेश जी के जन्म के समय के बारे में बताया जाता है। बता दें कि ऐसे शुभ संयोग 10 साल पहले यानी कि 2012 में बना था। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि गणेश पुराण में बताया गया है कि गणेश जी का जन्म भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन दोपहर के समय हुआ था। जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था। और दोस्तों, अब की बार भी कुछ ऐसा संयोग बना है कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि दोपहर के समय बुधवार को रहेगी। ऐसा संयोग इसलिए बना है क्योंकि चतुर्थी तिथि मंगलवार 30 अगस्त को दिन में 3:34 से लग रही है और अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को दिन में 3:23 तक रहेगी। 31 अगस्त को उदयकालीन चतुर्थी तिथि और मध्य व्यापनी चतुर्थी तिथि होने से इसी दिन विनायक चतुर्थी का व्रत पूजन सर्वमान्य होगा। धार्मिक दृष्टि से यह बहुत ही शुभ संयोग है और इस शुभ संयोग में गणेश जी की पूजा अर्चना करना भक्तों के लिए बेहद ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि गणेश चतुर्थी 31 अगस्त के दिन अब की बार रवि योग भी उपस्थित रहेगा, जैसा कि 10 साल पहले भी था। इस योग को आप सोने पर सुहागा कह सकते हैं क्योंकि गणेश जी का आगमन तो यूं भी सभी विघ्नों को दूर करता है, उस पर रवि योग का भी होना और भी ज़्यादा शुभ है क्योंकि रवि योग को भी अशुभ योगों के प्रभाव को नष्ट करने वाला माना गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको हम ये बता दें कि अब की बार गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर तक चंद्रमा बुध की राशि कन्या में होंगे। शुक्र इसी दिन राशि बदलकर सिंह राशि में आएंगे और सूर्य के साथ मिलेंगे, यानी इस दिन शुक्र संक्रांति भी होगी। गुरु अपनी राशि मीन में रहेंगे, शनि अपनी राशि मकर में रहेंगे, सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में है और बुध अपनी ही स्वयं राशि कन्या में होंगे, यानी इस दिन चार ग्रह अपनी स्वयं की राशि में होंगे। ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग भी भक्तों के लिए काफ़ी शुभ और फलदायी रहेगा। ऐसे में दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस बुधवार के दिन से भगवान श्री गणेश जी अपनी कृपा कुछ विशेष राशि वालों पर बरसाने वाली हैं, जिसकी वजह से अब ये राशि वाले अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे और इन्हें बहुत सी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ होगा, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस राशि वाले लोगों के ऊपर इस दिन से भगवान श्री गणेश जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इतना ही नहीं, इनके जीवन में आने वाली सारी समस्याएं भी अब दूर हो जाएंगी। इसके लिए आपको सुबह के समय उठकर सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः,
ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का 21 बार पाठ करना होगा, क्योंकि इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होंगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से आपको सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। आप अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें, और दोस्तों वाहन का उपयोग करते समय आपको इस दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले लोगों के ऊपर इस दिन से भगवान श्री गणेश जी की कृपा बरसने वाली है, जिसकी वजह से अपने जीवन में आप बहुत से परिवर्तन देख सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है। बता दें कि आपकी आर्थिक स्थिति अब पहले से बेहतर होगी, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न होगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके द्वारा की गई यात्रा लाभदायक रहेगी। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको इस दौरान सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों अगली जो राशि है वह है तुला राशि। आपको बता दें कि इस राशि वाले लोगों के ऊपर भगवान श्री गणेश जी की कृपा दृष्टि अब बनी रहेगी, इसकी वजह से आप अपने जीवन में अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में भारी धन लाभ होगा, और साथ ही साथ आपके व्यापार में विस्तार भी हो सकता है। आप अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन भी ला सकती हैं, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ आपका समाज में इस दौरान मान सम्मान भी बढ़ेगा। वहीं अगर आप सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी की आराधना करती हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों अगली जो राशि है वह है मकर राशि। बता दें कि इस राशि वाले लोगों के ऊपर इस दिन से भगवान श्री गणेश जी की कृपा बरसने वाली है। इनका समय यह बहुत ही आनंददायक गुजरने वाला है। अगर ये लोग भगवान श्री गणेश जी की आराधना करके दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं वह अब तेज़ी से बनेंगे। आपकी सभी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी भी मेहरबान रहेंगी, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आपको सोच विचार करके ही कार्य इस दौरान करना चाहिए। दोस्तों अगली राशि है कुंभ राशि। बता दें कि इस राशि वाले लोगों का इस दिन से बहुत ही अच्छा समय आरंभ होने वाला है। आप लोग जिन कार्यों को मन लगाकर करेंगे उसमें आप तेज़ी से सफलता प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, भगवान श्री गणेश की कृपा से, भगवान श्री गणेश के नाम लेने से शुरू किया गया आपका कार्य आपको सफलता ज़रूर देगा। आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां भी अब दूर होंगी। आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना सच्चे मन से करें। दोस्तों सेक्शन में सच्चे दिल से जय श्री गणेश जरूर लिख दें, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।